मैं शेफ कृष्णा और आप देख रहे हैं मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। बहुत ही अमेजिंग और बहुत डिलिशियस आज हम आपके लिए एक रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम लाए हैं वेज रेसिपी। ये है पनीर टिक्का मसाला, बहुत ही डिलिशियस और बहुत स्पेशल, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। टिप्स और टिक्स के साथ हम शेयर करेंगे आज आपको ये डिलिशियस रेसिपी। बनाइएगा जरूर। इन सर्दियों में गरम गरम नान, पराठा और रोटी के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। मैजिक किचन आपके लिए लाता है हमेशा डिलीशियस रेसिपीज। तो डिलीशियस रेसिपी के लिए बने रहे मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ, बनाते रहिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपीज। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल, बेल आइकन डेफिनेटली प्रेस कीजिएगा, और अच्छी अच्छी रेसिपी देखना है तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चले फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कौन सी रेसिपी लाए हैं, चले बनाते हैं आज की अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, बना लेते हैं मैरिनेशन। यहाँ पे 200 ग्राम हमने लिया है हैंकर, 1/4 कप काजू का पेस्ट जिसको कि हमने भिगो के रखा था और अच्छे से ग्राइंड कर लिया, तो ये स्मूथ होता है। और यहाँ लेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और हम यहाँ लेंगे 2 टीस्पून टिक्का मसाला। इसकी रेसिपी चैनल पे अपलोड है, चेकआउट कर लीजिएगा। ऐड करेंगे ब्लैक सॉल्ट 1 टीस्पून, यानी काला नमक, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही हम लेंगे यहाँ पे 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, और 1 टेबलस्पून हम लेंगे ड्राई कसूरी मेथी हाथों से अच्छे से रगड़ कर। अब इस मैरिनेशन को खूब अच्छे से बनाना है। अच्छे से फेंट लीजिएगा, जितने अच्छे से फेंटेंगे उतना स्मूथ होगा और रेसिपी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो देखिए, ये हमने खूब अच्छे से फेंट लिया है। अब हमें इसे अच्छे से स्मोक करना है, यानी स्मोकी फ्लेवर जो है वो लाना है। तो चलिए, स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पे एक बाउल रख देते हैं सेंटर पे। और यहाँ देखिए, कोल हमने गर्म होने के लिए रखा था, जब लाल हो जाए ना तब इसको ऐड कर लें, और ऊपर से थोड़ा सा घी। बस स्मोक बनने लगा, अब इसको ढक देते हैं और 10 मिनट छोड़ देते हैं। 10 मिनट इसको लिड लगाकर छोड़ देते हैं। 10 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे। देखिए कितने अच्छे से स्मोक हुआ है, इससे एक अच्छा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। देखिए स्मोक बन गया बहुत अच्छे से, और अब इसको हम बाउल को निकाल देते हैं। तो इसमें पूरे मैरिनेशन में स्मोकी फ्लेवर आ चुका है, आप देखिएगा बिल्कुल जादू कर जाता है ये स्मोकी फ्लेवर। अब यहाँ हमने 200 ग्राम पनीर लिया है जिसको इस मैरिनेशन में डाल देंगे। ये देखिए, इस साइज के, बड़े बड़े साइज के हमने लिए हैं। और यहाँ पे शिमला मिर्च, 2 शिमला मिर्च हमने लिया है, साथ में हमने लिए हैं 2 प्याज जिसको भी हमने इस तरह के पीसेस कर लिए हैं। तो इन सब चीजों को हम मैरिनेशन में अच्छे से मिक्स करके और इसको ढक कर रख देते हैं। देखिए सभी को हमने अच्छे से मिक्स करके रखा है, और अब इसको अच्छे से ढक के रखने के बाद, अब यहाँ हमने घी लिया है तकरीबन 1 कप, उसमें 2 सूखी लाल मिर्च, 3 तेज पत्ता, 2 हरी इलायची, 1 टीस्पून शाहजीरा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और थोड़े से शिमला मिर्च हम फ्राई कर लेते हैं, और 1 कप हम कंप्लीट ऑनियन, लच्छा प्याज इसमें फ्राई कर लेंगे। तो ये 1 लच्छा प्याज, 2 बड़े साइज के प्याज को हमने बारीक बारीक काट के बनाया है।
तो देखिए, दो बड़े प्याज है इसमें और आधा शिमला मिर्च है। इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे हम जो मैरिनेट करके हमने पनीर और प्याज और शिमला मिर्च रखा था, उसको हम ऐड कर लेंगे। अब इसको हमें बिल्कुल लो हीट पे पकाना है। तो 200 ग्राम पनीर है और प्याज है, काफी सारा प्याज है। आप देखिए, शिमला मिर्च प्याज के बड़े बड़े पीसेस हैं जो कि खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये टिक्का मसाला अमेजिंग होता है। हम इसे व्हाइट कलर का नहीं रखने वाले हैं क्योंकि हम मसाले अभी इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसे व्हाइट कलर में भी बना सकते हैं। व्हाइट कलर में हमने रेसिपी दे रखी है तो चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने 1 कप टोमेटो प्यूरी ऐड कर दिया है। ये देखिए, टोमेटो प्यूरी ऐड करने के बाद कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो टोमेटो प्यूरी भी हमने बॉईल करके टोमेटो और फिर पेस्ट बनाया है। तो 2 टोमेटो हमने लिया है। यहाँ पे टिक्का मसाला हम ऐड कर देते हैं 2 टीस्पून और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे कसूरी मेथी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। टिक्का मसाला पहले भी ऐड किया था और बाद में भी ऐड किया है, फ्लेवर प्रॉपर आएगा। देखिए, कश्मीरी रेड चिली पाउडर के कारण एक बहुत अच्छा सा कलर आता है। और यदि आप व्हाइट कलर में बनाना चाहें तो टोमेटो प्यूरी ऐड नहीं कीजिएगा, उसकी जगह फेंटी हुई दही ऐड कर लीजिएगा। अच्छे से फेंट के दही और काजू का पेस्ट थोड़ा ज्यादा ऐड कर लीजिएगा। तो आप व्हाइट कलर में भी बना सकते हो, कश्मीरी रेड चिली पाउडर को अवॉइड कीजिएगा। यहाँ हम थोड़ा सा सुनहरा कलर चाहते थे इसलिए हमने ये ऐड किया। अब यहाँ पे हमने ऐड कर दिया दूध। तो ये हमने तकरीबन 100 ml 100 ml दूध ऐड किया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं आप रंगत इसकी है ना, बहुत ही टेस्टी। एक सुनहरा सा कलर होगा जो देखने में और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोगों को व्हाइट कलर की ग्रेवी नहीं पसंद आती है, तो थोड़ा सा कलर हो तो मजा ही आ जाता है। तो देखिए, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है ना। इसको टेस्ट कर लेंगे कि कैसा बना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा सॉल्ट और 1 टेबल स्पून शुगर। सॉल्ट हमने टेस्ट करने के बाद ऐड किया। अब इसे हमें पकाना है। देखिए, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है इसको, हमको 10 से 15 मिनट पकाना है। और ये देखिए, कलर अमेजिंग, बहुत ही सुंदर कलर आया है ना। देखिए, रोगन ऊपर आ चुका है और 15 मिनट ये अच्छे से पका है। तो पनीर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। ये देखिए, कलर देख सकते हैं आप, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है पनीर। ये टिक्का मसाला इतना अमेजिंग होता है कि आप रोटी, पराठा, नान के साथ खा सकते हैं। डेफिनेटली आपको बेहद पसंद आएगा ये। ये देखिए, रोगन आप देख सकते हैं ऊपर आ चुका है रोगन। और कसम से ये इतना टेस्टी है कि आप इसे खाने से अपने आप को रोक ही नहीं सकते, बहुत टेस्टी। इस तरह से पनीर टिक्का मसाला आप बनाइए और इन सर्दियों में बहुत ही अच्छा लगता है ये। सर्दियों के मौसम में स्पेशली बहुत अमेजिंग होता है और गरम गरम रोटियों के साथ में, नान पराठे के साथ में मजा ही आ जाता है। और बहुत ज्यादा मेहनत की आपको जरूरत नहीं होती। कुछ फ्लेवर है, बेसिक चीजें हैं जो आप फॉलो करते हैं तो आपका जो वेजिटेबल है बहुत अच्छा बनता है। तो ये हमारे वेजिटेरियन फ्रेंड्स के लिए एक अमेजिंग रेसिपी है। इसे आप व्हाइट कलर में भी बना सकते हैं, उसमें आप टोमेटो ऐड नहीं कीजिएगा और उसमें आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड मत कीजिएगा। बस इतना ही करेंगे ना तो आपका वो व्हाइट कलर का बन जाएगा। तो देखिए, इसे अब डिश आउट करते हैं। तैयार हो गया है और बहुत कम समय, सिर्फ 15 से 20 मिनट में आपकी ये ग्रेवी बन के रेडी हो जाती है। तो इसे आप परोस दीजिए गर्मा गर्म रोटियों के साथ में, नान पराठों के साथ में, बिल्कुल गर्मा गर्म खाइएगा, तभी मजा आएगा।
तो बहुत डिलीशियस। देसी घी में बना है तो अमेजिंग तो होगा ही, और साथ में ये अफगानी पनीर टिक्का मसाला हमने इसमें बनाया है। टिक्का मसाला की रेसिपी आपको चैनल पे अपलोड कर दी है, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा, आप बना लीजिएगा और बनाइएगा ये डिलीशियस अफगानी पनीर टिक्का मसाला, बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस। और इसे सुनहरे कलर में बनाइएगा, मजा ही आ जाएगा, देखकर ही आपका मन ललचा रहा है ना खाने के लिए। तो चलिए चलिए जल्दी से बनाइए, कलेक्ट कर लीजिए इंग्रेडिएंट और बना डालिए ये अमेजिंग डिलीशियस मसाला, पनीर टिक्का मसाला, अमेजिंग, बहुत अमेजिंग, मुझे तो बेहद पसंद है। कभी हल्का फुल्का खाने का मन करता है ना, तो इस तरह का टिक्का मसाला बना लेते हैं और साथ में गरम गरम रोटियां, मजा आ जाता है। तो चलिए आप बनाइए ये पनीर टिक्का मसाला हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। जो लोग चुपके चुपके चले जाते हैं, चुपके चुपके मत जाइए प्लीज, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। बने रहिएगा मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ और बनाते रहिएगा अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। मैजिक किचन, स्वाद का जादू, याद रखिएगा, फिर लाएंगे आपके लिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। चलें बनाते हैं और नए प्रोग्राम, और लाते हैं और नई रेसिपीज आपके लिए। आपका प्यार यूं ही बरसता रहे मैजिक किचन कृष्णा में, और बनाते रहें आप अच्छी अच्छी रेसिपीज और जगाते रहे स्वाद का जादू।